था कि देखिए हम अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से करते हैं, यस सर, हर आदमी जीरो से करता है। हम लोग पैदा होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं, और लगभग 15-20 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, कोई ग्रेजुएशन कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, उसके बाद संघर्ष करते हैं और हम या तो नौकरी प्राप्त कर लेते हैं या अपना बिजनेस सेटअबल स्टेबल करते हैं, यस और नो। इन सारी चीजों के पीछे इतने लंबे समय का एक्सपीरियंस और इतने लंबे समय की मेहनत होती है, लगभग 20-25 साल की मेहनत के बाद हम एक मुकाम पे पहुंचते हैं जिस मुकाम पे आप हो आज, यस और नो। उसके बाद कोई यहां टीचर बन गया, कोई यहां डॉक्टर बन गया, कोई यहां दुकानदार बन गया, कोई यहां ऑफिसर बन गया, और कोई यहां आरसीएम का लीडर बन गया। हेलो, समझ गए? अब सबके सामने एक ही चीज है कि सब लोगों ने जीरो से ही शुरुआत की थी और यहां तक पहुंच गए, लेकिन आरसीएम वालों में और इनमें एक अंतर है, क्योंकि हमने मेहनत की हम यहां तक पहुंचे, उनसे कम मेहनत की, इन्होंने तो रेगुलर मेहनत की, हमने तो यहां से मेहनत करनी शुरू की थी। यस सर, हेलो, दो से लेके 5-7 साल अगर आप मेहनत कर लेंगे तो, ये बात दूसरी है, मेरे को ज्यादा समय हो गया, लेकिन मैंने जो अचीवमेंट हासिल की वो तो 5-1 साल की अचीवमेंट थी, यस सर नो, उसके बाद तो इंजॉय कर रहे हैं। इनमें और इसमें एक अंतर है आरसीएम वालों में कि आपने अपनी जिंदगी को यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंच गए। वो मेरा दोस्त जो अब जाग गया, दिन रात एक करा हुआ है, जो गवर्नमेंट जॉब में 1,00,000 रुपया महीना गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता है, उसको टेंशन हो गई कि आज मैं यहां तक पहुंच गया, 1,00,000 रुपए गवर्नमेंट मेरे को देती है, लेकिन मेरा बेटे को ये नौकरी नहीं मिलेगी, मिल जाएगी क्या? उसको अपनी जिंदगी जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, उसको भी खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, हो सकता है मेरी डिग्री ये है और मेरे बच्चे की डिग्री उससे भी ज्यादा बड़ी हो जाए, लेकिन क्या गारंटी है कि वो जिस स्कूल में 1,00,000 रुपए का एक इंग्लिश का शानदार टीचर कहलाता है, उसी स्कूल में उससे बड़ी डिग्री लेने के बाद इसको कोई चपरासी लगा देगा? कोई गारंटी दे सकता है? चपरासी की भी गारंटी नहीं है। लेकिन यहां एक आरसीएम का लीडर है, उसने अपनी जिंदगी भी यहीं से शुरू की थी, लेकिन यहां से आरसीएम शुरू किया और वो अपनी जिंदगी को यहां तक ले आया। मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरे बेटे को अब अपनी जिंदगी जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है, वो यहां से शुरू करेगा। हेलो, उसको यहां से शुरू नहीं करना, यहां से शुरू करना है। मैं सफायर हूं तो वो सफायर है, और ऐसे आरसीएम में बहुत से एग्जांपल हैं जिन्होंने यहां से शुरू किया और आगे बढ़ते चले गए। रवि ओपी शर्मा का एग्जांपल सबके सामने। हेलो, जब उस रवि ओपी शर्मा ने उसके पापा के जाने के बाद यहां से बिजनेस शुरू किया, पहली इनकम 25 लाख थी। हेलो, पीछे अभी कोरोना के टाइम में जब हमारा हाईएस्ट हुआ तो उनकी 30 लाख की इनकम हुई, हालांकि हमारे अप्लायंस की इनकम हम पूछते नहीं, लेकिन वो वायरल हो गई थी, 29,09,000 ऐसा ही कुछ करके, मतलब 30 लाख के आसपास थी, TDS वगैरह अगर ना काटे तो 30 से प्लस थी, और ऐसे बहुत से लोग हैं, और ये चीज आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी कि आप जो भी कर रहे हैं आप सोचो कि आपने किया, लेकिन अगर आप आने वाले 2-4 साल इस बिजनेस में शिद्दत से काम कर ले, और मजे की बात, नुकसान कुछ नहीं है, कोई खतरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ पैसे जमा करवा दो और मैं बाद में इतने पैसे आपको दिला दूंगा, या यहां पे प्लाट ले लो बाद में ये प्लाट करोड़ों का हो जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जीरो, सिर्फ दुकान ही तो बदलने की कह रहे हैं। और भाई साहब आप हरियाणा के, और हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात की है कि बेटा जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो ना, कर देना चाहिए। हेलो, तैयार हैं? यहाँ खोने लायक कुछ नहीं है, पाने लायक इतना कुछ है आप सोच भी नहीं सकते। डेल कार्नेगी की किताब पढ़ी थी मैंने, देखिए मैं अगर आज सफायर के लेवल पे हूं और यहां तक पहुंचा हूं तो अब तक मैं बहुत कुछ सीखा हूं और सीखता रहता हूं। मैं सारा दिन बोलता रहूंगा, सारी रात बोलता रहूंगा, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी, आपको भी मजा आता रहेगा, लेकिन सारी चीजें एक दिन में नहीं सिखाई जा सकती। हेलो, सब कुछ मैं एक दिन में नहीं बता सकता आपको, वो एक प्रोसेस है, आपको लगातार सीखते रहना पड़ेगा। तो अमिताभ बच्चन जी भी बोलते ना, जो सीखता रहता है वो जीतता रहता है। ये सुनो, सीखना बंद तो जीतना बंद, तो लाइफ लॉन्ग ही आपको प्रोसेस चलता है, वो मैं आज भी सीख रहा हूं।